दी ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स यूनियन बिलासपुर ने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में यूनियन के प्रधान मोहम्मद ने कहा कि कोविड-19 के चलते ऑटो रिक्शा संचालकों को आर्थिक क्षति हुई है और उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए तथा ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते ऑटो रिक्शा पिछले करीब 2 महीने से बेकार खड़े हुए हैं, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। तंगहाली के कारण ना तो वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और ना ही देय टैक्स और बैंक के लोन की किस्तें। इसके अलावा बच्चों की फीस व मकान आदि का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आय का एकमात्र साधन ऑटो संचालन ही है। ज्ञापन में प्रदेश सरकार से न्यूनतम मजदूरी के तहत पर 7500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने तथा बैंक लोन की EMI बिना शर्त माफ करने, 1 वर्ष के सारे टैक्स और इंश्योरेंस माफ करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी व पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों के लिए बनाई जाने वाली विशेष बीमा नीति के तर्ज पर ऑटो ऑपरेटर्स व ऑटो चालकों का 20 लाख तक का बीमा करवाने की मांग भी की गई तथा ऑटो ऑपरेटर्स के लिए विशेष नीति का निर्धारण करने की भी वकालत की गई है। ज्ञापन में उपायुक्त बिलासपुर से ऑटो रिक्शा चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह भी किया गया ताकि वे अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ऑटो यूनियन बिलासपुर, हम आज DC साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया कि हमें जो है जो दो महीने से जो लॉकडाउन चला हुआ है, जब से हमारे ऑटो बिल्कुल बंद है और हमारा कोई कमाई का साधन नहीं है। हमारा जो दिन का सारा खर्चा है ऑटो के माध्यम से ही चलता है। सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमें राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और हमें फीसें और बच्चों की फीसें, अपने EMI जो है, बैंकों की किस्तें हैं, टैक्स है, इंश्योरेंस है, उसके देने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं। और आज हमने DC को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमें 2 महीने हो गए हैं लगभग खड़े हुए, तो हमें चलाने की अनुमति दी जाए। तो DC साहब ने आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं 1-2 दिन, और हमने DC के माध्यम से CM को भी एप्लीकेशन लिखी है। इसमें हमें जो भी हमें मतलब न्यूनतम दिहाड़ी है जो 7500 रुपये महीने की बनती है, वो भी हमें दी जाए। और हमारे जो बैंकों की किस्तें हैं, टैक्स है, इंश्योरेंस है, वो 1 साल के लिए माफ़ की जाए। और हमें जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और